सो हेलो एंड वेलकम गाइस, माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करेंगे रागा का एक और गोल्डन टेस्ट। देखिए, गोल्डन क्यों कह रहा हूँ इसको, क्योंकि जो इस वक्त पे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो रागा की सेक्शन में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके के लिए भी आपको ई बुक भी प्रोवाइड करा रखा है, और आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी प्ले लिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। लेकिन अब इस वक्त उनको एक बार से फिर से रिकॉल कर लें सारे। तो ऐसी टेस्ट सीरीज है ये, जिसके अंदर मैं सारे चीज़ आपको जो है डिटेल के साथ में डिस्कस भी कर रहा हूँ, और क्वेश्चंस के साथ में हम उनको अच्छे से सॉल्व भी कर रहे हैं। पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट था, काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स था, और चाहे ज़्यादा लोग ना देखे लेकिन जितने लोग देख रहे हैं वो पूरा देख रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है और उनको पसंद भी आया है। हाँ, थोड़ा सा डाउट ये था कि सर आप हिंदी में करवा रहे हैं, इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम था। तो आज मैं जो है क्वेश्चन हिंदी में ही होंगे, लेकिन उसको इंग्लिश में मैं खुद से ट्रांसलेट करके बता दूंगा जहाँ पे ज़रूरत होगी कि हाँ हिंदी या इंग्लिश में कुछ फ़र्क पड़ेगा। वैसे इतना तो क्लियर है कि हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो हिंदी लैंग्वेज में बात तो अपने घर वालों से ऐसे भी करते होंगे, तो सुनने में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बाकी अभी इसको जो है मैं इंग्लिश में बिल्कुल ट्रांसलेट कर दूंगा, आपकी बात को मैंने नोट कर लिया है, और इसको जो है हम और अच्छे तरीके से करेंगे। और यहाँ पे आज के जो क्वेश्चंस हैं, आप यकीन मानिए एक बार मेरे पे विश्वास करके पूरा वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चंस एकदम A1 टाइप के हैं। और आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखना है, मतलब ये सारे क्वेश्चन जो रिलेवेंट है आपके एग्जाम से, कोई भी क्वेश्चन आपका डायरेक्टली डाटा चेंज करके या इस टाइप को सेम कॉपी आपको जो है एग्जाम में मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि मैं जो है ना करवाने की, ये तो बहुत सारी चीज़ें करवा सकता हूँ, मतलब आपको मैं भटकाऊंगा नहीं, सीधा जो होगा मैं बोल दूंगा दिल से, ठीक है। तो आप इसको भी आशा करता हूँ कि अच्छे से सपोर्ट करेंगे। तो आइए कि क्वेश्चन को लेते हैं और सोल्व करते हैं। और देखिए, आप भी पेन कॉपी निकाल लो, क्योंकि ये प्रैक्टिस का सेक्शन है। आप जितना मैं टाइम इसके लिए दे रहा हूँ उस टाइम के अंदर आप भी इसे कोशिश करो सोल्व करने की। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं बार बार इसके लिए आपको नहीं नोट कराऊंगा, क्योंकि फिर आपको भी लगेगा कि सर आप यही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो मैं खींचना नहीं चाहता इसको फालतू में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 71 से 72 तक, यहाँ पे कुछ दिया गया है। वो क्या है आपके पास में, जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है। देखिए, इसमें बताने की जरूरत नहीं है हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं। देखिए, यहाँ पे सीरीज दिया गया है, जो सीरीज आपके पास में क्वेश्चन नंबर 71 में वो क्या है, TR, उसके बाद में है P और N, इसके अंदर नेक्स्ट टर्म आपको जो है बताना है। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश वाला ये सोल्व हो गया आपका। उसके अलावा ये अगले वाला क्वेश्चन है, इसमें भी सेम यही चीज़ आपको जो है करना है। तो पहले वाला क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन तो शायद रिपीटेड भी है एक तरह से, क्योंकि देखिए ये 20 हो गया, ये 18 हो गया, ये 16 हो गया, ये 14 हो गया, मतलब -2 हो रहा है ना सभी में, -2। तो यहाँ पे भी -2 करेंगे तो यहाँ पे L आ जाएगा, और ये 12 पे आता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको नहीं दिख रहा है, तो ये 7 के आगे जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और यहाँ पे सीरीज चल रहा है। अब देखिए, एक चीज़ तो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस सीरीज को अपने इस तरीके से, कैसे ये पूछ रहा है आपको। यहाँ पे है फर्स्ट में 1 है, फिर उसके बाद में कोमा है, 48 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 24 है, 7 है, और उसके बाद में जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में 2 है, उसके बाद में 10 है, उसके बाद में 2 है, ठीक है। एक चीज़ देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप देखें तो इस चीज़ को क्लियर कर लिया करो कि यहाँ पे एक ये टर्म आ रहा है, एक ये टर्म ज़्यादा आ रहा है, फिर कम आ रहा है, फिर एकदम से अचानक से कम ज़्यादा हो रहा है ना, तो वो दो सीरीज मिक्स होंगी या तीन भी हो जाती है कई बार, लेकिन आपको दो के ही पूछेगा। तो आप सबसे पहले कोशिश करो कि अल्टरनेट नंबर को यहाँ पे चेक करो। देखिए, 1 से 4, 4 से 7, फिर 7 से उसके बाद में 2, ठीक है, इस तरह से आपने चेक किया। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, क्वेश्चन में ये थोड़ा सा गलती यहाँ पे भी है, ये 2 भी यहाँ पे नहीं है देखिए, क्योंकि फिर सीरीज पूरा नहीं बनेगा। 1, 4, फिर उसके बाद में देखिए ये आपके पास में आ गया 10, और फिर इसके बाद अगला आएगा, फिर इसके बाद 48 और 2, और उसके बाद में इस तरह से। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला भी नहीं है, इसकी जगह पर ये 10 है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद में अगला जो होगा 10 के बाद में, वो आगे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये हो गया, 10 के अगले जो भी होगा वो आ जाएगा। अब इस तरह से देखो, ये है 48, इससे 24 हुआ है, अब इस 24 के बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आगे यहाँ पे 2 आएगा। तो देखिए, ये पैटर्न तो मुझे समझ में आया कि 1 से 4 यानी कि +3 हुआ, 4 से 3 +3 हुआ, 7 से +3 10 हो गया, अब 10 से +3 यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है, ये तो हम समझ गए। अब इस पैटर्न में मैंने देखा कि यहाँ पे 1/2 हुआ है, तभी तो ये 48 से 24 हो गया। अब 24 का भी मैं हो सकता है यहाँ पे सोचो कि ये भी 1/2 कर सकता है, तो यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे 12 आया, फिर 12 का मैंने 1/2 किया, तो ये 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 2, तो मतलब कुछ ज़्यादा कर रहा है। ज़्यादा क्या कर सकता है कि 1/2 की जगह पे इसने किया है 1/3, तो 1/3 किया है,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 24 हो गया और इसका 1/3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। और 8 का जो है आप 1/4 कर लीजिए, तो यहाँ पे 8 का 1/4 करेंगे तो ये आएगा 2। तो इस तरह से ये सीरीज बन रहा है। तो पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती था, तो अगर आपने ये सोल्व किया तो आपका आंसर हो सकता ना आया हो सही तरीके से, लेकिन क्वेश्चन मैंने अब आपको बता दिया। देखिए सीरीज ये है 1, 48, 4, 24, 7, ?10 और 2, ठीक है। तो ये सोल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये चीज़ मैं समझाना यहाँ पे ये चाहता हूँ, क्वेश्चन जैसा भी जो भी था, यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब है अगर ऐसी सीरीज दिखती है तो इसके अंदर दो पैटर्न चलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल लेते हैं। देखिए ये जो सवाल है आपका, ये क्वेश्चन आप 73 देख रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। देखिए एक कोड है, ठीक है, इन ए लैंग्वेज मदर इज कोडेड TOMREH, ठीक है। सो यहाँ पे उसी सेम लैंग्वेज के अंदर जो है नेफ्यू को किस तरह से कोड किया जाएगा, ठीक है। तो डिकोड करेंगे या आप इसे बोल दीजिए, मतलब आपको मैं समझा देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में यही कि MOTHER, इसकी जगह पे इन्होंने लिख दिया है TOMREH, और अब आपको पूछा है नेफ्यू NEPHEW, इसको कैसे कोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ मैंने देखा कि टी भी है, ओ भी है, यहाँ पे सेम वही है, तो मतलब इनको आगे पीछे किया होगा। तो देखा मैंने एम को यहाँ पे ले आया, टी को ये यहाँ पे ले आया, ओ को यहाँ पे सीधा का सीधा, उसके बाद मैंने देखा कि एच को यहाँ पे गया है, आर को यहाँ पे, ई पे। ये सीरीज बहुत ही फेवरेट है सभी एग्जाम की, कोई ना कोई एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। ये 4 का है, कई बार जो है 6 का भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेम इसको भी हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे जो है हम एन लिखते हैं, यहाँ पे हम इसको पी लिखते हैं, ई को ऐसे कैसे लिखते हैं, तो देखिए PEN, अब वहाँ पे यहाँ देखिए PEN ई की ऑप्शन में है, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप चाहें तो इसको एच कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में तो आ जाएगा एच, उसके बाद में यहाँ पे डब्ल्यू आएगा और यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है, ई। तो यहाँ पे देखिए WEH, तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस की तरफ भी एक बार नज़र मान लिया करो, थोड़ा सा आंसर आते ही कि हाँ कुछ मैच तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा कि कोई ऐसा है ही नहीं जिसमें पी से स्टार्ट हो रहा, तो यही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अगले दो सवाल आपके जो हैं ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं जिसमें आपको पजल को सोल्व करना है। देखिए 5, 4, 9, 6, 3 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको एक डाटा बताना है, और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए ऐसे तो इतना ज़्यादा पजल है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे 4 का बना दिया, 5 का बना दिया है, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3 और 4, इन चार वैल्यू को देखिए, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी अमाउंट हो रही, तो इस चीज़ से आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि इन तीनों में ही कुछ ना कुछ कैलकुलेशन किया गया है। तो मैंने देखा कि एक बार मैं इसको जो है सीधा मल्टीप्लाई कर लूँ, 6 × 5 = 30, और 30 को अगर मैं देखूँ प्लस करूँ 7 या गुणा करूँ 7 × 1 = 10, तो इस तरह से नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि 6 + 7 = 13 होता है, ठीक है, और 13 को अगर मैं 5 से गुणा कर लूँ तो 65, ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसको मैंने देखा कि 3 + 2 5, और 5 को 4 से गुणा करो तो 20, ठीक है। तो सेम यही चीज़ मुझे यहाँ पे करना है कि इसमें जो है यहाँ पे मैं इसको x मान लेता हूँ, तो x + 4, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है और इसको 9 से गुणा करना है, ये आना चाहिए 45, तो यहाँ पे 9 को काट लीजिए, ये हो जाएगा 5 और x + 4 = 5, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 1 हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें भी सेम वही चीज़ लग रही है। तो यहाँ पे देखिए 6 है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि इस तरह से ये चलेगा, 6 से 19 हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 6 × 18 × 3 + 1 हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं कह सकते। उसके बाद देखिए 19 है, तो 19 से यहाँ पे अगर इंटू 3 करें 57 होता है, और 57 + 1 यानी कि 58, ये भी सेटिस्फाई हो गया, इंटू 3 + 1 ये पैटर्न चल रहा है। तो अब यहाँ पे 58 × 3 कर लीजिए, ठीक है, 8 × 24 = 4 और 1 आएगा 5। तो देखिए यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि प्लस वन करते हैं ये 4 वैल्यू 5 में जाएगा, और वैसे आप सीधा कर लीजिए, 5 × 3 = 15 और 2 = 17, 174 + 1 = 75। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप आपने दोनों क्वेश्चन जो है अच्छे से सोल्व कर लिए होंगे। दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, और आपके एग्जाम में डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन छप सकता है सेम ऐसे कैसे, यहाँ पे डाटा चेंज हो सकता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपका एक पूछा जाता है, ये मैंने आपको जो है स्ट्रेटजी वाले वीडियो में भी बता दिया था। अगला सवाल लेते हैं, इसमें जो है आपके पास में क्या बोला गया है, मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर देता हूँ। यहाँ पे आपको चूज़ करना है वो ऑप्शन, ठीक है, जिसमें जो है आपके पास में इस जो वर्ड आपके पास में दिया गया है इसका यूज करके हम इसको नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये आपका जो है ट्रांसलेटमेंट कर दिया, अब इसको देखिए, इसको यूज करके हम नहीं बना सकते। देखिए ये आपसे पूछा है, देखिए अब आप एक एक ऑप्शन को चेक कर लीजिए, मैं जूम कर लेता हूँ आपके लिए थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे एक एक ऑप्शन को चेक कीजिए, देखिए MENACE, ठीक है, तो यहाँ पे देखा मैंने M भी है यहाँ पे, A है, सॉरी E है यहाँ पे, उसके बाद में देखिए N है,
ये भी मिल गया, ठीक है, ए सी ई, अब सी भी है ए भी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल गई, मतलब इसको बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए पी ए आई एन टी, अब उसके बाद देखिए पी भी है ए भी है आई भी है, ठीक है, ये रहा, और उसके बाद हम देखिए एन भी है और उसके बाद टी भी है, मतलब ये दोनों बनाए जा सकते हैं। तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है, आपको पूछा है जो इसका यूज करके नहीं बनाया जा सकता, मतलब आपको वो ऑप्शन देखना है जो इसके अंदर नहीं हो। देखिए पी ए टी ई एन टी, अब ये देखिए पी भी है इसमें ए भी है, फिर उसके बाद में टी है, फिर उसके बाद में ई भी है, फिर यहाँ पे एन भी है, और फिर एक बार दोबारा से टी आ गया, लेकिन इसमें टी एक ही बार है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो बार नहीं है, ये जो सारे वर्ड हैं ये इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। अगला तो चेक करने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि ये भी इसमें मिल जाएगा पूरा का पूरा। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपका डेफिनेटली कई बार आ जाता है, कई बार नहीं भी आता, लेकिन आपको तो प्रैक्टिस में रखना है इन क्वेश्चन को। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो सवाल है ये है आपका मैथमेटिक्स सेक्शन का, और अच्छा सवाल है, इसको हम सोल्व करते हैं, आइए एक एक को देखिए। मिस्टर दत्ता अपने 3 लाख रुपए का सेवानिवृत्त लाभ को जो है अंशतः डाक घर में और बैंक अकाउंट के अंदर जो है, यानी कि देखिए मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ क्वेश्चन, कि एक पर्सन है उसका नेम है मिस्टर दत्ता, वो रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट पे उसको जो है अमाउंट मिलती है 3 लाख रुपए, ठीक है, ये 3 लाख रुपए मैंने ले लिया, इसका जो है 10% यहाँ पे जो है डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जो है उन्होंने 10% जो है इन्वेस्ट कर दिया उनका सेविंग के लिए, और उसके बाद में अंशतः बैंक अकाउंट में 10% और 6% के ब्याज पर, सॉरी ये रेट है आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में और उन्होंने जो है बैंक में दोनों जगह पे जो है कुछ कुछ अमाउंट जमा की, और उसके बाद में उनको जो इंटरेस्ट मिला है वो 10% और 6% यहाँ पे इन्होंने फिक्स हो गया है, ठीक है, ब्याज पर जमा कराने चाहते थे। यदि उनकी मासिक ब्याज आय यानी कि जो उनका जो है मंथली जो सिर्फ इंटरेस्ट है, मंथली इंटरेस्ट वो है आपके पास में दोनों से मिला करके 2000 रुपये, ठीक है, तो आपसे पूछा कि डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में कितना अंतर था, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस आपको बताना है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड बैंक अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया क्वेश्चन आपके लिए, 3 लाख रुपए मिले उसमें से कुछ उन्होंने पोस्ट ऑफिस में जमा करा दिया, कुछ बैंक अकाउंट में, और उन्होंने जो रेट फिक्स की इंटरेस्ट के लिए वो 10% था पोस्ट ऑफिस का और 6% था बैंक का, अब दोनों से जो है उनको मंथली मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब साल के अंदर जो है उनको जो है 24,000 रुपये ब्याज का मिलेगा, और उन्होंने जो है ये जमा करा दिया 3 लाख रुपये। अब आपसे पूछा है कि जो आपकी जो अमाउंट है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। अब देखिए गाइस यहाँ पे आप कहेंगे सर ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बिल्कुल है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो वो आपको ये भी तो कह सकता है ना कि मैंने तो परसेंटेज दिया है, मैं परसेंटेज में कुछ भी पूछूं, जहाँ पे परसेंटेज यूज हो रहा है वहाँ पे वो पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं बेस्ट वे से। तो आशा करता हूँ कि आपने खुद से इसे कोशिश किया होगा, और अब मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको करना है। देखिए गाइस एक चीज़ आपको पता है कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, कि यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, सिर्फ एक ही है एग्जैक्ट डाटा है, वो है आपके पास में 1 मंथ का इंटरेस्ट, तो हम 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं दोनों जगह से। तो देखिए इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट ही निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की या सिंपल इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कही गई है, यहाँ पे 1 महीने का निकालेंगे, क्योंकि 1 साल तक जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट वो इक्वल ही रहता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था PRT/100, प्रिंसिपल जो है पहले केस में, अभी देखिए हमें पता नहीं है, तो मैं पोस्ट ऑफिस में मान लेता हूँ कि इसने X रुपये डिपॉजिट किया होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए रेट, रेट आपके पास में 10% दिया गया है। टी टाइम जो है आपके पास में जो है 12 मंथ का अगर होता तब तो हम 1 लिख लेते हैं, यानी कि 1 ईयर, लेकिन ईयर में हम ये काउंट कर रहे हैं तो 1/12 रख लेता हूँ, 1 महीने का 1/12 महीना, ठीक है। PRT/100 और 100 से मैं यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ, प्लस ये तो जो है हमारे पास में इंटरेस्ट आ गया किसका, पोस्ट ऑफिस का, अगर मैं इसमें बैंक का भी जोड़ दूँ तो इसका मान इक्वल आएगा 2000 के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 लाख में से एक्स घटा दीजिए, ठीक है, इसमें से एक्स घटा दीजिए, तो आपके पास में प्रिंसिपल हो गया, रेट यहाँ पे 6% है और टाइम जो है वही 1/12 और इंटू 100, इसका मान हमें दिया गया है 2000, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, अब इसको मान देखिए यहाँ पे दोनों में जो है नीचे एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो कितना है 1200 है, तो 1200 को आप इस तरफ गुणा कर दीजिए, यानी कि ये कितना हो जाएगा 24 लाख हो जाएगा अगर 1200 को 2000 से गुणा करेंगे तो, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पे यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए ये तो कितना है 10x, और यहाँ पे देखिए 6x, 6 को इधर गुणा करेंगे तो ये माइनस का 6x हो जाएगा, तो 10x - 6x यानी कि 4 तो x बच गया, ठीक है, प्लस में अब 6 को 3 लाख को 6 से गुणा करेंगे तो 6 18 लाख हो जाएगा, ठीक है, 1800, ठीक है। और इधर जो है मैंने आपको गुणा करके बताया कि दोनों कैल्शियम को इस तरफ गुणा करेंगे तो ये 2400, इसको गुणा करेंगे 2000 से तो ये हो जाएगा 2400, ठीक है,
तो ये 12 दोनों 24, ये तो सीधा ऐसे कैसे हो गया। और देखिए 3 जीरो ये हैं और 2 5 जीरो लगा दीजिए ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये 24 लाख हो गया। अब इसको 4x को जब मैं सोल्व करूंगा तो 24 लाख में से 18 लाख ये चला जाएगा, तो 6 लाख बच जाएगा आपके पास में। आप भी सोचेंगे कि सर कितने लाख लाख की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए 4 का जब वैल्यू निकालूंगा तो 4 से मैं काट देता हूँ तो 15 चौक 60 होता है, तो यहाँ पे 15 हो गया। और यहाँ पे जो देखे आपके पास में 150, और ये हो गया, ये 1.5 लाख उसका मान हो गया। मतलब जो इसने पोस्ट ऑफिस में जमा कराया था ये 3 लाख में से इसने हाफ यहाँ पे, यानी कि 1.5 लाख रुपए, 3 लाख आधा ये हो गया, और ये भी यहाँ पे भी हाफ। तो अब इन्होंने पूछा है कि पोस्ट ऑफिस और बैंक इनका डिफरेंस क्या है। अगर मैं 1.5 लाख में से 1.5 लाख घटाऊँ तो डिफरेंस 0 ही आएगा ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 0, डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल था, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे बना सकते थे कि अगर आप यहाँ से इस 0 को काट लेते, फिर उसके बाद में अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करते, जैसे यहाँ पे इस 6 से 12 को काट लेते, तब आप इसको कैलकुलेशन को थोड़ा डिफिकल्ट बना देते। आपको जो है इस तरह से सोचना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, कुछ लोग तो इसको देखते ही छोड़ के आ जाते, ठीक है। बाकी चांसेस कम ही है इस तरह के क्वेश्चन आने की, लेकिन परसेंटेज पे तो हम काम कमांड बना रहे हैं ना अपनी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मिक्सर से है, ठीक है। मिक्सर को जो है आपके पास में लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि कोई व्यक्ति क्या करता है कि कोई मिक्सर है उसके पास में, उसको कॉस्ट प्राइस पर ही सेल करता है, और फिर भी जो है वो 20% का प्रॉफिट गेन करता है, ठीक है। तो उसने जो है दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया, तो ये आपको पूछा है कि उसने जो है वाटर जो है किस रेशियो के अंदर मिक्स किया है, मिल्क के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया, जैसा भी था आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे कोई मिक्सर है आपके पास में, देखिए सिंप्लीफाई करता हूँ और भी, यहाँ पे कोई मिक्सर है मिल्क और यहाँ पे वाटर का, उसमें क्या किया कि कोई व्यक्ति क्या कहता है कि मैं मान लीजिए इसको 50 रुपये लीटर में खरीद के लेके आता हूँ, तो उसको तो कॉस्ट 50 रुपये देना पड़ रहा है, और अब क्या कहता है कि वो रिटेलर को भी जो है 50 रुपये में बेचता है, तो वो प्रॉफिट फिर भी कमा रहा है। कैसे कमा रहा है, वो पानी मिला के, क्योंकि पानी को दूध के भाव में बेच रहा है ना, तब वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ पे क्या किया है इसने, इसमें मिक्सर मिलाया है और इसने 20% का जो है प्रॉफिट गेन किया है, ठीक है। तो ये आपको पूछना चाहता है कि जो वाटर है वो किस रेशियो में मिलाया है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम एक चीज़ जानते हैं, एलिगेशन। हो सकता है आपने एलिगेशन कभी नहीं पढ़ा हो, लेकिन एलिगेशन एक सिंपल चीज़ होता है, जब भी आपको जो है कोई भी अनुपात निकालना होता है। तो देखिए कितना सिंपली मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमें रेशियो चाहिए किसका, मिल्क का और प्लस में वाटर का, या आप इसको कह दीजिए वाटर जितना मिला रहा है यही तो इसका प्रॉफिट है ना। मतलब जितना पानी मिलाएगा वो सारा फायदा में जाएगा, क्योंकि दूध के जितने पैसे दे के आ रहा है उतने में ही तो वो बेच रहा है, ठीक है। तो जितना पानी मिलाएगा उतना ही उसको फायदा होगा। तो देखिए मिल्क अगर वो बेचेगा तो जितने में खरीद रहा है उतना, मतलब ये पूरा 100% यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको, 20% का, और ये प्रॉफिट किस वजह से हो रहा है, पानी की वजह से। यहाँ पे इसका जो मान हो जाएगा 20%। हमें रेशियो पूछा है ओनली, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो सिंपली आप यहाँ पे इसको सोल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया और यहाँ पे हो जाएगा 2 से हम काट देंगे, ये 1 हो जाएगा और ये 5, मतलब 5:1 में जो है वो मिक्सर में मिक्स करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5:1, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल था, आपको समझ में आया होगा। देखिए कैसे, फिर से बता देता हूँ, यानी कि आप सोचिए थोड़ा सा कि आप दूध ला रहे हैं, कीमत तो दूध की है ना, वाटर तो 0 रुपीज़ कॉस्ट करता है आपको, तो जितना वाटर मिलाएंगे उतना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या हो रहा है, 20%, तो 20% तो क्या है, वाटर। और जो बाकी 100% क्यों लिखा, आप कहेंगे सर 80% लिखिए, तो मिक्सर के अंदर जो है 80% मिल्क हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो 1 लीटर बेच रहा है तो उसमें जो है 1000 ml होगा, उसमें से 800 ml जो है वो दूध मिला के बेच रहा है, बाकी जो है 200 ml वो क्या कर रहा है, पानी मिला रहा है। तो ये जो 200 ml है ये 20% वो प्रॉफिट गेन कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे टोटल मिक्सर लेना है, ठीक है। ये तो सिर्फ अमाउंट किसकी होगी, ये मिल्क की हो गई ओनली, ये मिक्सर लेना है, M4 मिक्सर, ठीक है। मिक्सर से आपको जो है कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20%। तो मिक्सर के अंदर मिल्क भी होगा और वाटर भी होगा, तो यहाँ पे ये 100 लिया गया है, तो 5:1 हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है, यानी कि जो वो मिनिमम नंबर क्या है जो 32146 में से सब्सट्रैक्ट करने पर जो है पूर्ण वर्ग बनाता है, यानी कि स्क्वायर बनाता है, ठीक है। इनकी पूरा उसका स्क्वायर हो जाएगा, वो नंबर क्या है, ठीक है। तो यानी कि आप ऐसा कर लीजिए कि जो नंबर आएगा उसमें से माइनस करने के बाद में उसको आप जो है पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट उसका निकाल सकते हैं सिंपली अगर मैं कहना चाहूँ तो यहाँ पर नंबर है आपके पास में 32146, ठीक है। तो इसमें से हम क्या सब्सट्रैक्ट करें ताकि वो एक कंप्लीट स्क्वायर रूट हो जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो है आपको क्या करना है,
या तो आप ऐसा कर लीजिए कि इसके आसपास की कोई नंबर एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, जिसका आप जो है यहाँ पे आसपास पहुँच जाएँ, फिर उसको जो है अंदाज़ा लगा के आप या ऑप्शन से करके उसे पहुँच सकें। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये सोचिए कि ये किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो देखिए मैं अगर यहाँ पे अज्यूम करूँ कि जैसे मैंने ऐसा बोझ कर लिया, 20 ही मान लिया, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 20 का 400 होता है, तो इसका जो 3 डिजिट है ये 400 से जो है छोटा है, मतलब 20 से वो संख्या कम है, स्टार्टिंग के डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अज्यूम किया 15, ठीक है, मैं ऐसे ही अज्यूम करूँगा, एक बार तो मुझे एग्जैक्ट थोड़ी ना पता है, तो 15 का स्क्वायर मैंने निकाला 225, मतलब ये 225 से तो काफ़ी बड़ा है, 321, ठीक है। फिर मैंने देखा कि 17 निकाल लेता हूँ, 17 289 स्क्वायर होता है, तो मैंने देखा 289 से भी बड़ा है, तो फिर मैंने सोचा कि 18 भी जाता हूँ, 18 भी मैं गया तो मैंने देखा 324, 324, फिर मैंने देखा कि ये संख्या इसके आसपास है, 324 और 146 इसमें ज़्यादा है, यानी कि ये कितना है, 32,146 है, और यहाँ पर आ रहा है 324, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए 180 का निकालता तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, 32,400 होता है, यहाँ पे 32,146 है, तो यहाँ पे मैंने कितने का निकाला है, ये मैंने निकाला है 180, यानी कि 18 का, ठीक है। अब मैं 180 का निकाल रहा हूँ, अब इससे एक नंबर कम भी तो निकाल सकता हूँ, यहाँ पे तो मैंने 18 तो स्टार्टिंग के डिजिट का पता लगाने के, लेकिन अब इसमें डिजिट जो है 180 है, तो मैं 179, इससे कम ही होगा क्योंकि 18 से 32,400 से ज़्यादा नहीं होगा, 179, 178, इस तरह से अज्यूम कर सकता हूँ, या भाग विधि से भी कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने करवाया था, लेकिन उसमें बोला कि सर आप उस तरह से ना कराएं, तो आप इसमें जो है एक्सपेक्टेड आप लगाइए अंदाज़ा कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले आप इसका चेक करेंगे, अब इसका जब आप चेक करेंगे 179 का, तो इसमें आपको जो है 179 इंटू 179 ये करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप अगर करते हैं सोल्व, तो ये आता है आपके पास में, मैंने खुद से सोल्व कर लिया 32,041, ठीक है, 32,041, और यह है 32,146। अब देखिए 180 से नीचे 179 है, तो इससे छोटी संख्या तो कोई हो नहीं सकती, तो अब इसमें देखिए कि ये कितना है, 146 है और ये है 41, तो कितना ज़्यादा है, तो 146 में से 41 घटा दीजिए, 105 आ जाएगा, और ये इसका जो है सही आंसर है। ये तो तरीका है कि आप अपने अंदाज़ा लगा करके इस तरह पहुँच सके। अब आपको चाहिए कि सर मुझे तो एग्जैक्ट ही चाहिए, तो वो फिर आपको जो है भाग देकर ही निकालना पड़ेगा, वो कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप इस तरह से साइन बनाइए भाग का, और संख्या को लिखिए 32,146। अब इसमें जो है आप पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं, ये दो और ये दो, अब जो आगे बची हुई संख्या है वो सिर्फ 3 है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इस भाग विधि में हम आगे से संख्याओं में भाग देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए समझिएगा, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक नंबर लिखिए, कोई भी नंबर लिख लीजिए, जैसा सपोज यहाँ पर मैंने लिखा 1, यानी कि 3 उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैंने 2 लिखूंगा तो 2 × 2 4 हो जाता है, तो यहाँ पे नंबर लिखिए 1, और उसी संख्या से आपको क्या करना है, उसको गुणा भी करना है, ठीक है। पहले केस में तो गुणा करना है, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें से आपको 1 घटाना है, अगर आप यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 × 2 4 हो जाता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही हो सकता है, तो 1 लिया मैंने, 1 घटाया, यहाँ पे 2 बच गया। अब इसमें अगली 2 संख्या उतार लेनी है, ठीक है, 2 1, अब 221 आपके पास में हो गया। अब यहाँ पे इन संख्याओं को जो है जब यहाँ पे उतारोगे तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ के उतारना है, तो 2 और यहाँ पे कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया। अब 2 के आगे यहाँ पे एक संख्या ऐसी लगानी जो यहाँ पे भी इन दोनों बॉक्स में फिल करे, और इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो इसके आसपास आएगी, इसके 221 के। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे सपोज कीजिए कितना लेता हूँ, कुछ भी ले लीजिए 221 के आसपास जो जाए, जैसे 25 ले लेता हूँ, तो 25 × 5, ठीक है, 25 × 125 होता है, तो 25 से ज़्यादा लेंगे आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अगर ले लेते हैं 7 ले लीजिए एक बार, ठीक है, 7 × 7 = 49, 9 और 7 × 2 = 14, 14 × 4 = 18, ठीक है, 189 होता था। फिर उसके बाद में अगर मैं 8 लेता हूँ, 28, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा इससे, 8 × 8 = 64, 8 × 2 = 16, 16 × 6 = 22, यानी कि 224 हो गया, 221, तो 17 यहाँ पे, यानी कि 27 लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिया, ये कितना हो गया 189, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 11 − 9 2 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बचा हुआ है आपके पास में 21, 21 में से 18 घटाएंगे तो ये अब 3 बच जाएगा। अब अगली जो 2 संख्या बची हुई है 46, इनको ऐसे कैसे उतार लीजिए, और यहाँ पे ये जो आपके पास में नंबर आए हैं 27 + 7, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, अब नीचे उतारने के लिए आप इनको जोड़ दीजिए, तो 27 + 7 ये कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। अब ये हो गया, अब यहाँ पे फिर वही चीज़ करना है कि यहाँ पे एक नंबर लगाना है जो सेम यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो, इसको जो है आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले और यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे, तो जैसे आप कुछ भी अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 6 है, अगर ये फिक्स होता ना तब तो यहाँ पे हम यहाँ पे 6 लगाते, ठीक है, तब ये आ जाता आंसर, लेकिन यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, आपको ये चीज़ कंफर्म करना होगा, इसके आसपास ही नंबर आएगा, तो यहाँ पे लगेगा 9, ठीक है, जब 9 को आप जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 3141,
और जब आप इसको जो है सब्सक्राइब करेंगे तो ये 105 बचेगा, और जो 105 है ये क्या है आपके पास में शेषफल, ठीक है। तो अब शेषफल ये है, अगर इस नंबर में से टोटल में से अगर मैं शेषफल घटा देता तो यहाँ पे क्या हो जाता, वही नंबर आ जाता। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने किसका भाग दिया था, सबसे पहले संख्या 1 ली थी, फिर उसके बाद में 7 लिया था और यहाँ पे 9 ली थी। तो ये जो स्क्वायर रूट आया है यहाँ पे ये 179 का आया है और ये आपके पास में रिमाइंडर बच गया और यही इसका आंसर हो जाता है। देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको वो तरीका बता दिया, आप एक्सपेक्टेड लगाइए, थोड़ा सा अंदाजा आपको पता चल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है, जैसा है वैसे ही आपको करना पड़ेगा। अगर आपको नंबर का स्क्वायर रूट या स्क्वायर याद है तब आप इसको और भी आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, नेक्स्ट देखते हैं। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। सो इसको कैसे करना है आपको, सो गाइस देखिए इसमें आपको बोला गया है कि एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है कि अपनी कॉस्ट प्राइस से अपनी जो प्राइस है उसको 30% हायर जो है उस पर नोट करता है, मतलब मार्क प्राइस उसका 30% हायर लिखता है। एंड देन क्या करता है कि वो 10% डिस्काउंट भी देता है, तो उसका प्रॉफिट आपको बताना है। सो देखिए सबसे पहले आपको ऐसे ध्यान रखना है कि CP, MP और SP इन तीनों की बात हो रही है, और यहाँ पर 30% का फ्रैक्शन निकालना है 3/10। नीचे वाली वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है, तो कॉस्ट प्राइस अगर पहले के इसमें क्या है 10 है, उसको जो है हाइयर लिख रहा है, मतलब प्लस 3 करके उसका मार्क प्राइस 13 हो जाएगा। नेक्स्ट उसने क्या किया, 10% डिस्काउंट दिया, 10% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/10 होता है। लेकिन एक चीज़ और भी आपको पता है कि 10% जो है आपके पास में जो फ्रैक्शन आपने निकाला है वो किसका निकाला है, डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट के अंदर जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो मार्क प्राइस होती है, क्योंकि डिस्काउंट आपको हमेशा पता है कि मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो डिस्काउंट हो गया आपके पास में 10, और डिस्काउंट दे रहा है मतलब कम कर रहा है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू माइनस, यानी कि ये 9 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को सेम कर लीजिए। ये चीज़ मैं कैसे कर रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लेलिस्ट देखना, वहाँ पे मैंने पूरा समझा रखा है। तो ये चीज़ हो गया, उसके बाद देखिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर इसको 10 से कर रहे हैं तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको 13 से कर रहे हैं तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट में सेम हो गया। तो ये हो गया देखिए 13 × 10, 10 × 13 = 30 हो गया, और ये 10 × 10 यानी कि ये 100 हो गया, और 9 × 13 यानी कि 117 हो गया। अब देखिए आपको प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट हमेशा पता है कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस देखिए कितना प्लस हो रहा है 17, अपॉन में CP कितना है 100 और × 100, तो ये कितना होगा 17% का प्रॉफिट आपको जो है मिलेगा, बी आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और सिंपली आपने निकाल दिया होगा। अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखिए आपके पास अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इसके लिए डायरेक्शन भी दिया गया है कि एक कतार में जो है 5 कतार हैं, उसमें से 5 बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब आप ऐसे समझिए कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5 बच्चे हैं और 5 ABCDE हैं, और ये 5 लाइनें बनी हुई हैं इसमें, जैसे इस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। तो आपको पूछा है कि इन 5ों को किस तरह से बिठाया गया है, अलग अलग लाइनों में बैठे हुए हैं ये। देखिए ए सी के पीछे बैठा हुआ है, आपको जो है पहले कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा लिखना है ए सी के पीछे बैठा हुआ है, मतलब ए जो है आगे होगा, ठीक है, और सी जो है यहाँ पे होगा, सी के पीछे बैठा हुआ है, तो सी के पीछे ए हो गया, इस तरह से सिंपली लिखो। परंतु बी के सामने है, तो बी के सामने है ए, तो यहाँ पे बी, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए क्योंकि इनके बीच में कोई और भी आ सकता है लिखने के टाइम में, ठीक है। उसका देखिए सी ई के पीछे बैठा है, ये सी जो है ये ई के पीछे बैठा है, तो ई यहाँ पे लिख लीजिए। उसका देखिए डी ई के सामने बैठा है, ई के सामने मतलब ई के सामने इस तरफ होगा डी, ठीक है, और यहाँ पे ये 5ों हो गए 1, 2, 3, 4, 5। अब ये लाइनों में भी इसी तरीके से बैठे हुए हैं, देखिए सबसे पहले कौन बैठेगा, यहाँ पे डी हो गया, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे फिर उसके बाद सी हो गया, फिर यहाँ पे ए हो गया, और फिर इस तरह से बी हो गया, यही क्रम होगा उसका, ये आपको पूछा है। तो देखिए प्रथम कतार से अंतिम कतार, तो प्रथम क्या है, यहाँ पे प्रथम में डी बैठेगा, इस तरह से आपको पूछा है, तो ये हो जाएगा डी ई सी ए बी, ये देख लीजिए किस में है डी ई सी ए बी, थर्ड ऑप्शन, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में, एक निश्चित लैंग्वेज में जो है दिया गया है न्यूमरिकल, इसको जो है डिकोड किया गया है किस तरह से, इस तरीके से। तो आपको पूछा है कि पब्लिश को किस तरह से डिकोड किया जाएगा, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आपके पास में NUMERICAL। अब देखिए मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ पे लगभग सारे क्वेश्चन में जो है ये वर्ड जो है यहीं पे है, जैसे L भी है आपके पास में, M भी है, U है, I है, R है, ठीक है, I है, R है, मतलब ये आगे पीछे ही किया है इन्होंने, कैसे किया ये हम पता चल जाएगा हमें। इसके नीचे आप इसको लिखिए LM, क्या कहते हैं UIR, उसका देखिए EACN, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया आपको। अब उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे जो है N है, उस N को जो है देखिए लास्ट में लिख दिया, उसके बाद देखिए ये L है, इस L को जो है यहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद देखिए ये U है, इस U को यहाँ पे लिखा है, इस M को यहाँ पे लिखा है, उसके बाद देखिए E है,
इस ई को जो है यहाँ पे लिखा है, इस आर को जो है देखिए यहाँ पे इसे कैसे लिख दिया है, और ये आई को इस तरह से लिखा है, मतलब फर्स्ट और लास्ट को चेंज किया है, फिर बीच में ये इस तरह से कर रहा है। उसके बाद देखिए सी को यहाँ पे लिख दिया है, और उसके बाद में देखिए एन तो पहले ही आ गया था, सी को यहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद में देखिए ए को नीचे के नीचे लिख दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको पैटर्न यहाँ पे भी लगाना है। देखिए पी यू बी एल आई एस एच ई डी। अब सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि पी जो है लास्ट में लिख दीजिए और डी पहले लिख दीजिए। तो देखिए डी पी, ठीक है, सभी में है ये चीज़ सेम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास में ये थर्ड नंबर है, इसको जो है यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दीजिए बी, क्योंकि इसमें भी सेम ऐसे लिखा गया है। उसके बाद में यू को इस तरफ लिख दीजिए, इसमें भी यू है, डी बी यू, देखिए डी बी यू डी बी यू डी यू बी है, डी यू बी है, तो ये दोनों ख़त्म। ठीक है, डी बी यू, फिर उसके बाद देखिए एस एल, एस एल सेम है। उसके बाद देखिए आई आ रहा है, मतलब देखिए अगला जो दो वर्ड है ये आपको एल और आई इसका नहीं देखना, आपको एस एच का देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस आई को कहाँ लिख रहा है, देखिए इस आई को ये इस तरफ लिख रहा है, तो एक मिनट रखिए पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आगे वाले वर्ड इस तरह से लिख रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इनको जो है लास्ट वाले को फर्स्ट में लिख लिया, फर्स्ट वाले को लास्ट में लिख लिया, इन दोनों को इस तरह से लिख लिया। उसका जो अगला वर्ड है इसको जो है आपके पास में ये थर्ड पे लिख रहा है, यहाँ पे थर्ड पे लिख लीजिए ई। उसके बाद में इस वर्ड को जो तीसरा वर्ड है एस, इसको पहले पे लिख रहा है और यहाँ पे ये आई आ जाएगा और ये एस आ गया। तो देखिए डी बी यू एस आई ई, डी बी यू एस आई, ये ई नहीं है सॉरी एल है, क्योंकि ये एल है, देखिए ये एल है, डी बी यू एस आई एल, डी बी यू एस आई एल, ये बी ऑप्शन में है तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का चेक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हमने ऑप्शन एलिमेंट कर लिया, नहीं तो आपको आगे का भी निकालना पड़ता। बाकी मैंने आपको ऊपर वाला पैटर्न दिखा रखा है, सेम ऐसे कर लेंगे। अब इसके लिए आप कहेंगे कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा ही पता लगाना है, या आप ऐसे कर सकते थे। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे एन है, ये तो आपको पता चल गया था ना कि इसमें जो सारे क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं ये इसके अंदर हैं, इनको आगे पीछे लिखा है इसने, तो एन जो है यहाँ पे इसके लास्ट में गया है, तो यहाँ पे ये लास्ट वाला देख लीजिए। उसके बाद देखिए ये यू था, यू थर्ड पे गया है, और यहाँ पे एक एक आप करते भी चलते, कॉपी आपके पेन हाथ से में होगा, सेम जैसा का जैसा था वहाँ पे वो लिखते चलते वो आप कर सकते थे। बाकी ये पैटर्न इस तरह से बना के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिर अगला सवाल, देखिए काफ़ी खतरनाक सवाल है, बाकी ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आएगा नहीं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह के आ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी। देखिए एक फिलिंग स्टेशन है, एक पेट्रोल पंप पे होता है फिलिंग स्टेशन, ठीक है, तो उसमें जो है टैंक है, उस टैंक की जो कैपेसिटी है वो 400 लीटर है, 400 लीटर, ठीक है, उसमें से जो है उसकी जो दूसरी टंकी है उसमें से क्या करता है कि वो 40 लीटर पेट्रोल जो है एक ग्राहक को बेच देता है, तो 400 में से उसने जो है 40 लीटर सेल कर दिया, एंड देन क्या करता है कि वो उसमें जो है केरोसिन डाल देता है, ठीक है, तो केरोसिन डाल देता है 40 लीटर कंप्लीट वही, ठीक है, और उसके बाद में यह प्रक्रिया 6 ग्राहकों तक दोहराता है, मतलब हर बार क्या करता है कि जैसे ही 40 लीटर बेचा उसने फिर 40 लीटर उसमें जो है केरोसिन डाल दिया। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ मॉक टेस्ट में, ये सेम ऐसा था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 40 लीटर निकाल रहा है और टोटल कितना था 400, मतलब 1/10 इसका जो रेशियो है, मतलब 10 उसमें से 10 लीटर है तो 1 लीटर जो है हर बार जब भी बेचता है तो वो 1 लीटर को एक्सचेंज कर लेता है। तो इसमें क्या होगा ना कि 10 से हर बार 1 लीटर निकल रहा है 9, 10 से 9, इस तरीके से 6 बार आपको करना पड़ेगा। तो ये जो है 6 बार तक नहीं पहुँच सकता, मैक्सिमम 3 बार तक पहुँच सकता है, तो मैं यही कह रहा था इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तब आगे पूछा भी क्या है इसने, 40 लीटर पेट्रोल खरीदा था, ठीक है, 7वां ग्राहक, तो उसके पास में कितना जो है पेट्रोल आएगा ये आपसे पूछा है, उसमें पेट्रोल कितना होगा और केरोसिन कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो कैसे करना है, देखिए 400 था, इस 400 में से जो 7वां ग्राहक आएगा वो कितना जो है खरीदेगा, 1-40/100 कर दीजिए, या तो अगर आप पूरा निकाल रहे तो नहीं तो 400 1-40/100 का मतलब कितना होता है 1/10, ठीक है, 1/10, 10-1 करेंगे तो ये पूरा जो हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, हर बार कितना निकाल रहा है, देखिए बच कितना रहा है, ये तो क्या है आपके पास में रिमेनिंग, और ये कितना है टोटल, ठीक है, तो ये आपके पास में होगा 400 का कितना भाग उसके पास में बचा हुआ है। तो अब इसकी पावर 6 करेंगे, देखिए 400 9/10 इसकी पावर 6, तो देखिए पावर 6 तक कोई नहीं निकाल सकता उस एग्जाम में, इतना तगड़ा एग्जाम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये तो क्या हो जाएगा उसके पास में कि ये कितना पेट्रोल है, फिर उसके बाद में केरोसिन भी अलग से निकालना है, तो केरोसिन कितने में से निकलेगा, क्योंकि 40 लीटर में डालता था तो 40 लीटर में से सेम वही चीज़ निकलेगा। तो ये क्वेश्चन को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, बाकी जो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर है 21/25, मतलब 21 लीटर पेट्रोल बचेगा और केरोसिन जो है उसके पास में इतना आ जाएगा। सोचिए कितना बेईमान है ये पेट्रोल पंप वाला,
मतलब आधे से भी ज़्यादा मिला दिया इसने जो सातवां ग्रह आएगा, बट ऐसा होता नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत हाई ज़्यादा बना दिया, मतलब इतना नहीं आता ये किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, क्योंकि इतनी बार आप 6 बार इसका क्यों स्क्वायर रूट या 4 बार निकाल सकते हैं, इतना नहीं निकाल सकते, आप इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं पहले आपको करवा भी चुका हूँ इसको कैलकुलेशन का, अगर आप कर सकते हैं 9/10 की पावर 6 तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। ये मिसिंग नंबर का है, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए 3, 4, 7, 11, 18, 29, देखिए 3, 4, 7, 11, 18, 29, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इसका। देखिए ये सवाल आपके पास में है, इसमें देखिए 3 + 4 = 7, ठीक है, तो इस तरह से हो रहा है, 3 से 4 मैंने देखा, तो हो सकता है मैं ऐसे सोच लूँ +1, 4 से 7 हो रहा है, मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है +3, उसके बाद देखिए 7 से 11 हो रहा है, ठीक है +4, उसके बाद देखिए 11 से 18 हो रहा है, मतलब +7 हो रहा है, उसके बाद देखिए 18 से 29 हो रहा है, मतलब +11। क्या आप ये नहीं देख रहे कि ये सीरीज जो है फिर से रिपीट होती जा रही है? देखिए 3, उसके बाद देखिए 4, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11, तो यहाँ पे जो आएगा डिफरेंस वो कितना आएगा, 18 का आएगा, तो 18 + 29 आपको कर लेना है, 47 इसका जो आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इससे पहले वाले 2 को जोड़ते जा रहा है, 4 + 3 = 7, 7 + 11 देखिए 18 हो रहा है, ठीक है 29 + 18 जुड़ेंगे 47 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा सवाल था, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट जो है आपके पास में एक और क्वेश्चन आपका पजल से आया है, बाकी इतने क्वेश्चन आते नहीं, एक ही क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम। इसमें देखिए क्या बोला गया है आपके पास में, 5 और यहाँ पे 16 है, 9, 49 है, इस तरह से क्वेश्चन मार्क कीजिएगा आंसर बताना, ये कोई बताने वाली बात है नहीं, समझ गए होंगे आप। देखिए 5 से 16 हुआ, 16 से 49, या हो सकता है कुछ और भी कैलकुलेशन हो रहा हो, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने देखा कि ये इसका मल्टीपल है, 5 × 3 कितना होता है 15, प्लस में 1 कर दो 16 हो गया, 16 × 3 = 48 और प्लस में 1 कर दो, मतलब ये पैटर्न अभी सेटिस्फाई हो जाएगा अगर दूसरे में भी लग रहा है। तो देखिए 9 × 3 = 27 होता है, लेकिन इसमें 2 जोड़ रहा है, 27 + 2 = 29, 29 + 29 × 3 पहले इंटू 3 करेगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 87, उसके बाद में देखिए ये इंटू 3 + 2 करेगा तो ये 89, मतलब अब देखिए इसमें इंटू +1 हो रहा था, इंटू 3 + 1 इसमें इंटू 3 + 3 करना पड़ेगा, तो 15 = 45 और प्लस में 3 ये हो जाएगा 48। अब इसको अगले को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, तो 48 × 3 और उसके बाद देखिए 8 से 24 यूनिट डिजिट आएगा, 4 और इसमें 3 जोड़ेंगे, मतलब इसका जो आ जाएगा 7, मतलब 7 आ रहा है, तो ये सही है। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा अगर आप टैलेंट लगाएं तो आप इसको इस तरह से कर सकते थे, पूरा गुणा नहीं करना है, ठीक है, यूनिट डिजिट से चेक कर लेना है, 7 आना चाहिए था, वो आ गया, तो ये सेटिस्फाई हो गया, इसका आंसर जो आपके पास 48 हो जाएगा। अगला सवाल, अम्ल यानी कि एसिड है, और इसके बाद में लिटमस आपको दिया गया है, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉलेज दिया गया है, तो इसका क्या होगा? ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, सिस्टमस लिखा गया है, लेकिन ये लिटमस पेपर आपको पता है क्या होता है कि जो एसिड का पता लगाने के लिए, उसका पीएच ज्ञात करने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं, तो ये हो गया। अब देखिए नॉलेज का जो है क्या करें, हम नॉलेज सीखते तो हैं, हम उसमें ढलना भी नहीं होता, सोचना नॉलेज को तो सोचते हैं, लेकिन उसको जो है माप कैसे सकते हैं, परीक्षण से, ठीक है, तो ये इसका जो है नॉलेज का ये हो जाएगा परीक्षण, इसका जो सही आंसर ये है। नॉलेज को हम कैसे माप सकते हैं, अमल को हम कैसे पता लगा सकते हैं, लिटमस पेपर से। तो नॉलेज को हम कैसे पता लगा सकते हैं, प्रैक्टिस से, आप परीक्षण से लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है आपके पास में, यहाँ पे एक ग्राफ होना चाहिए था, जो ग्राफ यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते, इन दोनों को आप हटा देना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में, देखिए यहाँ पे दिया गया है 4, तो आपके पास में जो है इस साइड बनी हुई है, उसके बाद में ये एक बीच में सेम 4 का आकृति बना है, इसमें सर्कल बना हुआ, अगली आकृति में सेम देखिए क्या हुआ है कि जो अंदर था ये सर्कल, इसको तो कोनों पे लगा दिए चारों पर, देखिए ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, और जो यहाँ पे चौकोर आकृति थी सभी में इसको जो है बीच में डाल दिया, सेम ऐसा ही यहाँ पे करना है, ये गोले हैं, ये अंदर तो गोला आ जाएगा, ठीक है, और ये जो अंदर ये ट्राइंगल बने हुए हैं, ये साइडों में चारों तरफ, और इसके भी ट्राइंगल आ जाएगा, और ये साइडों में भी ट्राइंगल आएगा, ये इस तरह से बनेगा, और ये ए ऑप्शन में आपको गिवन है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मत लगा देना डी ऑप्शन में या बी ऑप्शन में, इसमें क्या है कि ट्राइंगल तो दिया गया है, लेकिन इसमें ये ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, सर्कल होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल है 4, लेकिन ये 5वां ट्राइंगल नहीं है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास पेपर कटिंग से क्वेश्चन है, वैसे पूछता तो नहीं है पेपर कटिंग, आपका श्योर है कि 4 क्वेश्चन आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग से, वो फिगर बेस्ड सीरीज पे आता है, इसमें फिर भी सोल्व कर लेते हैं, इससे देखिए चाहे आपको फायदा हो ना हो, क्वेश्चन इस तरीके आए ना आए, लेकिन इस आकृति को अगर आप सोल्व करते हैं इमेज को, तो आपको जो है वहाँ पे सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है, प्रैक्टिस के लिए हम कर सकते हैं इसको। मोड़ा सबसे पहले तो देखिए ये मैं, आप ये समझ लीजिए कि आपको जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, जो सही है वो चीज़ बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन लग रहा है मुझे कि हाँ ये कभी नहीं आएगा, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आप देख लेते हैं, आपके स्कोर कम आ जाते हैं, उसकी वजह से फिर आप जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं।
सिम्स ने जो है चार बार मोड़ा, ठीक है, पहली बार ये, फिर ये, फिर ये, फिर इसको चौकोर को जो है यहाँ पे बना दिया, इसमें चार कट यहाँ पे इस तरह से लगाए। अब देखिए चौकोर कट बनेंगे तो इस तरह से एज की आकृति नहीं बन सकती कभी भी, ना ही ये आकृति वी शेप कैसे बनेगा जब इसने काटा ही इस तरीके से है, और ना ही इस तरीके की आकृति बन सकती है। ऑप्शन एक ही होगा इसका जो आंसर होगा, ये होगा, ठीक है, तो ये आपने बना लिया होगा आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए डीएनए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल ये होता है, ठीक है, ये आपको बताया। देखिए नो एक्सेलरेट ये भी नहीं हो सकता, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक कैसे एसिड होता है, ये सेकंड सेकंड बी ऑप्शन में दिया गया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल नेटवर्क अर्थरे आर्किटेक्चर इस तरह से ये भी नहीं हो सकता, डाइजेस्टेड नेशनल अथॉरिटीज ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए आपके पास में द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन और द आउटर फोर्ट्रेस, ये सभी क्या है, ठीक है, ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये अभी ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे आपको, ये सभी जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसके जो है पार्ट है, द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन, ठीक है, ड्रैगन का नाम सुनते ही चाइना से याद आया होगा, देखिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास में है कि एस्ट्रोनॉमिकल दूरी यानी कि डिस्टेंस को मापने के लिए हम किसके यूज़ करते हैं, ठीक है, पैरामीटर, पार्सेक, ठीक है, ये सभी जो है हब्बल लेंथ। सो आपको पता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है इसकी जो है लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, हम जो अपने ग्रह हैं पृथ्वी वगैरह सूर्य वगैरह इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम मापते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है, उसको जो हम लाइट ईयर से नोट करते हैं, थ्री यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, सौर मंदिर कहा जाता है, सौर मंदिर किसको कहा जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन महाबलीपुरम। नेक्स्ट देखते हैं, ये सवाल तो आपको डेफिनेटली पता होगा, भारत में पहले सैटेलाइट का नाम क्या था, देखते ही पता चल गया होगा, पहला ही ऑप्शन आर्यभट्ट, लेकिन यहाँ पे लगाने में गलती मत कर देना, पहला मतलब डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास में देखिए कंप्यूटर फंक्शन के जो है आपके पास में उपकरण पूछा है कि फंक्शनिंग जो पार्ट है कौन से हैं, उसके सपोर्टिंग सरफेस से संबंधित दो आयामी गति को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास में ऑप्शन दिए गए हैं, तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं जो कर्सर होता है उसको जो है आप स्क्रॉल कर सकते हैं कैसे भी, तो वो क्या होता है, पॉइंटर होता है, ट्रैकर होता है, माउस होता है या कीबोर्ड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी कि माउस, ठीक है। माउस एक आपके पास में क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है, यानी कि माउस जैसे अभी आप स्क्रॉल करते हुए मेरे को देख रहे हैं, तो ये जो मैं घुमा रहा हूँ ये माउस से मैं कर सकता हूँ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में है जनवरी 2016 से इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बेंगलोर में हो जाएगा, ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर 2016 से। जीएसएम इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, सेकंड यानी सेकंड दिया गया है डी में। ये 2018 का करंट है, ये भी आप छोड़ सकते हैं चाहे तो, बाकी आप देख सकते हैं भारत और किस देश के बीच में जो है मैत्री होता है, थाईलैंड यहाँ पे इसका आंसर है, ठीक है। मैत्री और मित्र शक्ति ये अलग अलग हैं, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। मित्र शक्ति जो है श्रीलंका के साथ होता है, और नेपाल के साथ कौन सा होता है, सूर्य किरण, ये ध्यान रखिएगा। थाईलैंड के साथ में मैत्री होता है, तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है 2018 में किन किन के बीच में होता है, लेकिन ये किस देश के बीच में होता है ये आपको ऐसे स्ट्रेटेजी के में पूछ सकता है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, आप ये भी छोड़ सकते हैं। तो आज हमने पूरे चार क्वेश्चन एलिमिनेट किए, आउट ऑफ 26 आपका स्कोर क्या हुआ ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि डेफिनेटली मैंने सारी चीज़ें आपकी क्लियर की हैं। देखिए मेनली तो मैथ और रीजनिंग में जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो काफ़ी अच्छे थे, और उन क्वेश्चन को कैसे सिंपली आप इजीली सॉल्व कर पाएँ ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो वीडियो को लाइक तो आप करेंगे ही, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका स्कोर क्या था और कैसा लगा वीडियो। करंट अफेयर के लिए भी आपको सारी PDFs अवेलेबल हो गई हैं टेलीग्राम में, जाके ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।